हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। ओके, तो एक बार आप लोग बता दो, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है आपको? ऑडियो और वीडियो सब लोगों को क्लियर है? ओके, यस सर, इट्स क्लियर। ठीक है। सो जो भी इंट्रोडक्शन था वो कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अवर टॉपिक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉजिकल फॉर बैंकिंग एग्जाम्स एज वेल एज फॉर एसएससी। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ऊपर जाना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अगर आप कोई भी रीजनिंग की बुक परचेज करते हो तो वहां पर आपको रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है उसे थ्री थ्री ब्रॉड तीन तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका वर्बल वर्बल रीजनिंग, एक होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, एक होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। देर इज नो नॉइज फ्रॉम माई साइड गौरव, मैं बिल्कुल एक अकेले कमरे में बैठा हूँ, यहाँ से कोई नॉइज नहीं आ सकती। किस तरह की नॉइज आ रही है आपको? वो अभी नहीं आ रही होगी, अभी किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर अनम्यूट किया था या ज्वाइन किया था तब वो वॉइस आ रही थी, अभी आपको कोई वॉइस नहीं आ रही होगी। अभी भी आ रही है गौरव? किस टाइप का नॉइज आपको आ रहा है? यहाँ तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अभी नॉइज आ रहा है किसी को कुछ? यार बाहर मौसम अच्छा हो रहा था, बादल गरज रहे थे, और इसमें कहां से कोई नॉइज क्रिएट करूं? ठीक है, और थर्ड होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो इन दोनों पोर्शंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के साथ। लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ने से पहले लॉजिकल रीजनिंग को भी दो है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और डिडक्टिव के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हमारा आज फोकस रहेगा। ठीक है, रीजनिंग के तीन पार्ट होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। उसमें से भी आज हम लोग फोकस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, जो हमारा टॉपिक है उसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये देखेंगे दो पार्ट होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, उसका क्या मीनिंग होता है। ओके, डिडक्ट हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिलॉजिज्म, ये डिडक्टिव के अंदर आता है। और इंडक्टिव के अंदर वो टॉपिक्स आते हैं जो आपके बैंकिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट हैं।
स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये जो टॉपिक्स होते हैं जो मैंने इंडक्टिव के नीचे लिखे हैं, ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव के अंदर, और ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ये एक सिग्नल टॉपिक है डिडक्टिव के अंदर हम पढ़ते हैं लॉजिक। इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में डिफरेंस बता सकता है यहाँ पर? थोड़ा पढ़ ले पहले। अभी जब मैंने टॉपिक पहली क्लास स्टार्ट करी एंड यू वांट मी टू टेल की ऑल अबाउट थ्योरी, थोड़ा पढ़ लो पहले, फिर डिस्कस कर लेंगे कि क्या है डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, बता सकता है बुद्धि? एनीवन, कोई भी छोटा सा एग्जांपल लूंगा और दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा, उससे भी समझ में नहीं आएगा तो एक और एग्जांपल ले लूंगा, लेकिन उसके बाद आया 100% जो भी चीज समझ में आ जाएंगी। एडी 1600 AD में क्यों जा रहा हूँ, इसका क्या लॉजिक है ये भी बताता हूँ। क्योंकि 1602 AD में एक बुक आई थी जिसका नाम था न्यूटोनियन। क्या नाम था? न्यूटोनियन। इस बुक के अंदर क्या था मालूम है आपको? इस बुक के अंदर क्या था मालूम है आपको? इस बुक के अंदर वो सब कुछ था जो आप लोग अपने फिजिक्स में पढ़ाए 10th 11th 12th में। न्यूटन के 3 नियमों को पढ़ते हो, न्यूटन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हो, वो सब कुछ इस किताब में था न्यूटोनियन। ठीक है, अभी मैं क्यों गया, तो मेरा जाने का मन करा और मैं 1600 AD में नहीं, इससे पहले चला गया, 1600 AD से पहले चला गया। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एक लड़का पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, उसके फल गिर रहे हैं। ठीक है, यहां पर दो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, एक लड़के ने बॉल, और वो बॉल नीचे आ गई जमीन पर। इसने सोचा कि ये पेड़ पे से फल नीचे कैसे गिरा, इसने सोचा ये बॉल को जब मैंने हवा में मारा था तो ये तो हमेशा हवा में रह जाती थी, नीचे आ गई। इसने सोचा अच्छा लगता है चीजें धरती के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, तो भी लगा चीजें धरती के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। क्या एक बात बताओ, अभी मैं कहां पर हूं? 1600 AD में हूं, मतलब 1600 AD से पहले हूं। इन दोनों इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या मैं ये बोल सकता था कि सारी चीजें धरती के केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं? हाँ या ना बताओ, क्या इन दोनों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या मैं ये बोल सकता था कि धरती की सारी ओर केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं? जब मैं पूछ रहा हूं तो सब लोग आंसर कर सकते हो, बाकी लोग अगर सो रहे हो तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज टॉपिक है। अगर आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड है। इजी करने की कोशिश करूंगा, टाइम लगेगा मुझे, थोड़ा पेशेंस रखना, कम से कम मुझे 4 से 5 क्लासेस दो इस टॉपिक के लिए, उसके बाद मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन पहली 4-5 क्लास मेरी और उसके बाद पूरा टॉपिक आपका। ठीक है।
इतना पेशेंस आप रख सकते हो मेरे साथ? प्लीज अनम्यूट करके रखो अपने आप को सब लोग। ऑब्वियस ही बात है भाई, हम 16 पहले गए थे, क्या हमारे पास ऐसा कोई रिटर्न फैक्ट था इस चीज को लेकर? क्या हमारे पास ऐसा कोई रिटर्न फैक्ट था कि एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ? नहीं था। तो कहीं किसी एक आध लोगों के एक्सपीरियंस पर मैं इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकता कि भाई एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां से एक बात समझ में आती है, ये करता ये पर्टिकुलर चीजों को देखता है और उन चीजों से इसे जनरलाइज करने की कोशिश करता है। इंडक्टिव क्या करता है? पर्टिकुलर चीजों को देखता है और इन्हें जनरलाइज करने की कोशिश करता है। दैट इज इंडक्टिव मूव्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरलाइज। अभी ने मुझे बताया कि अगर इन दोनों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये बात बोलता हूं कि सब चीजें होती हैं, तो आपने बोला नहीं। बट ये है कि यहां पर अगर किसी पर्टिकुलर चीज से किसी जनरल चीज की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूं, तो मेरे यहां पर दोनों रिजल्ट पॉसिबल है, वो ट्रू है और वो फॉल्स भी हो सकता है, राइट? वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, यस और नो? ये बात समझ आई? वहीं पर अब मैं थोड़ा सा आगे आ गया, 1600 एडी के आगे, ठीक है। अब आज शाम को मेरा क्रिकेट खेलने का मन करा, मैंने हवा में बॉल मारी और हवा में बॉल गई, मेरा फ्रेंड कह रहा यार अब तो ये हवा में ही चलेगी, अभी तो कभी लौट के नहीं आने वाली। मैंने बोला भाई रुक देख, और मैंने कैच पकड़ लिया, वो सरप्राइज हो गया। मैंने बोला भाई न्यूटन का लॉ नहीं पढ़ा, एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ? मतलब क्या किया मैंने, जो चीज ऑलरेडी जनरलाइज थी, जो चीज किताबों में लिखी है, उसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिखाया, उससे अपने दोस्त को मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया। तो मैं हूं क्या, मैं फॉल्स हूं, ठीक है। सेफ बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, आज शाम को मेरा मन करा और मैं क्रिकेट खेलने गया अपने फ्रेंड के साथ, मेरे फ्रेंड ने हवा में शॉट मारा, बॉल ऊपर गई और उसने बोला अब ये बॉल कभी लौट के नहीं आएगी। मैंने बोला भाई रुक, लगता है तूने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। मैंने बोला बॉल अभी देख मेरे हाथ में आएगी, और मैंने उसे कैच लेके दिखा दिया। तो मुझसे बोलता है ये कैसे? मैंने बोला भाई फिजिक्स नहीं पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बोलता है यस याद आ गया। मतलब मैंने क्या किया, जो चीज पहले से ही जनरलाइज्ड है, वहां से एक एग्जांपल अपने दो पल मैंने दिया। यस, समझ आया ये पॉइंट? 1600 एडी के बाद मैं गया हूं जनरलाइज से पर्टिकुलर चीज की तरफ। तो एक बात बताओ, इस चीज या फैक्चुअल चीज के बेसिस पर
अभी क्लियर है या ब्रेक हो रहा है अभी भी? अभी क्लियर है वॉइस सबको? ओके, तो नहीं समझ में आया दोनों चीजों में फर्क? रेशु बिल्कुल भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था आपको। इसको ऐसे समझो कि जो इंडक्टिव होता है ये आपका पर्टिकुलर चीजों से जनरलाइज होता है। और जो डिडक्टिव होता है यानी कि फैक्चुअल से पर्टिकुलर की तरफ मूव करता है। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में चीजें आपकी ट्रू होती हैं, सिनारियों चीजें आपकी फॉल्स भी हो सकती हैं, ट्रू भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, इसको अभी सबको क्लियर है ना वॉइस मेरी? इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबको क्लियर है अभी? तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, वापस से सुनो। सचिन तेंदुलकर को जानते हो आप लोग? डू यू नो सचिन तेंदुलकर? तो स्टार्टिंग में जब सचिन ने अपना करियर स्टार्ट किया था 1984 के अराउंड, अगर उस टाइम पर सचिन ने अपनी कुछ अच्छी पारियां खेली होती स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग की कुछ पारियां उन्होंने अच्छी खेली होती, दो तीन, तो क्या उन कुछ पारियों को देखने के बाद मैं ये बोल सकता था कि सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर? मैं बोल तो सकता था कि सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, बट मैं उस केस में ट्रू भी हो सकता था, फॉल्स भी हो सकता था, राइट? मैं उस केस में ट्रू भी हो सकता था, फॉल्स भी हो सकता था। रेशो अभी क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एग्जांपल को समझो, क्योंकि मैंने क्या किया वहां पर सचिन की कुछ एक दो इनिंग्स को देखने के बाद मैंने ये बोला कि सचिन एक महान खिलाड़ी है। नॉट नेसेसरी, क्योंकि ऐसे बहुत स्पोर्टिंग करियर्स रहे जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया है, उसके बाद वो गायब हो गए, करेक्ट? तो ये वाला जो एग्जांपल था सचिन के करियर की स्टार्टिंग का, ये इंडक्टिव का था, उसकी कुछ इनिंग्स पर्टिकुलर थी और उसके बेस पर मैंने जनरलाइज कर दिया कि सचिन एक महान खिलाड़ी है। तो इस केस में मैं सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था। क्लियर हुआ ये पॉइंट इंडक्टिव का?
नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका डिडक्टिव का। डिडक्टिव में देखो, आज सचिन अपने करियर खत्म कर चुका है, ठीक है, और आप सबको पता ये बात कि एक वो महान खिलाड़ी है। तो मतलब अब क्या है, सचिन ने अपने आप को प्रूव कर दिया, उसके बारे में किताबों में लिखा जा चुका है। तो अब ये बात कहना कि सचिन एक महान खिलाड़ी है, ये बात हमेशा करेक्ट होगी? ये बात हमेशा करेक्ट होगी? नहीं करेक्ट होगी रेशु? कहने का मतलब यह है कि जब कोई चीज फैक्चुअल हो जाती है, किसी के बारे में आप फैक्ट लिख चुके होते हो, तो वो क्या होती है? हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। तो जो इंडक्टिव होता है, हाँ, जो इंडक्टिव होता है, यस सुश्री, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, इट्स प्रूफ, इट्स फैक्ट, इट्स रिटन इन बुक्स, इट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव के अंदर हम क्या पढ़ने वाले वो आपको बता चुका हूँ, डिडक्टिव के अंदर हम क्या पढ़ने वाले वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। डिडक्टिव के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सायलॉजिज्म, ठीक है। अब बताओ यहां पर दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस अच्छे से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? इस टॉपिक को पढ़ने हम लोग एक पर्टिकुलर चीज की हेल्प लेंगे, और वो होता है आपका व्हेन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से हम इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। आपको पता है वेन डायग्राम क्या होते हैं? किसी भी चीज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जैसे कि मैं आपके सामने यहां पर चार वर्ड्स लिखता हूं, इन पांचों वर्ड्स को मैं आपको रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। कैसे करोगे जरा बनाओ अपने अपनी कॉपीज में। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन पांचों वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप को? देखो ये आपका नोएडा है, नोएडा इंडिया के अंदर, इंडिया किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर। पाकिस्तान आता है एशिया में, और ऑस्ट्रेलिया आपका बाहर हो जाएगा, ये अलग कॉन्टिनेंट है।
तो ये जो वर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन या जो इस वर्ड्स का रिलेशनशिप एक दूसरे से दिखाया है, इसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ नोट डाउन आप करते चलो, वैसे अभी ऐसा कुछ पॉइंट नहीं आया रेशु, जब पॉइंट आएगा नोट डाउन करने के लिए तब मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर, नॉट रियली, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ मतलब वो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के लोकेशन बताता है ना, तो कुछ उस टाइप से ही है, बट नॉट एग्जैक्टली। ठीक, अब आपको ये बता दूं पहले तो कि सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन है उस टाइप का दिखता है स्टेटमेंट क्वेश्चन, आपको देखो इस टाइप का होता है। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको इन ट्रू है या फॉल्स है, समझ आया? अब यहां पर आप लोग एक काम करना, जो आप लोग नोट जहां आप लोग नोट्स बना रहे हो इस टॉपिक के, वहां पर ऊपर कॉर्नर में एक पेज पर यहां पर आधा पेज छोड़ देना। मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखाता चलूंगा टॉपिक के रिगार्डिंग, काम करते चलना, ठीक है? ठीक है भाई, सबसे पहला पॉइंट लिखो यहां पर, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो यहां पर, स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स आर 100% इन इट सेल्फ। स्टेटमेंट्स आर 100% इन इट सेल्फ लिखा। लिखा ये पॉइंट? उसी पॉइंट में आगे कंटिन्यू लिखो, स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स आर नेवर जज्ड, स्टेटमेंट्स आर नेवर जज्ड। दे आर कंसीडर्ड, दे आर कंसीडर्ड टू बी ट्रू ऑलवेज, दे आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू ऑलवेज। ये पॉइंट लिख लिया सब लोगों ने? अच्छा कोई एक जना अपने आप को अनम्यूट करके जरा रिपीट करेगा क्या लिखा है, कोई भी एक जना, एनीवन? स्टेटमेंट आर 100% इन इटसेल्फ, ओके, स्टेटमेंट आर नेवर जस्ट, दे आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू ऑलवेज। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट लिखो इसी में नीचे।
इन ऑर्डर टू जज द कंक्लूजन्स, इन ऑर्डर टू जज द कंक्लूजन्स, द वेन डायग्राम ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ड्रॉन इन ऑर्डर टू जज द कंक्लूजन्स, द वेन डायग्राम ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ड्रॉन. लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? इसी पॉइंट में आगे कंटिन्यू करना. द वेन डायग्राम दस ड्रॉन has to follow the minimum overlapping rule. Has to follow the minimum overlapping rule. अभी सब पता लग जाएगा. Have some patience. हाँ शिवम, जस्ट वेट अ मिनट, अभी सब पता लग जाएगा. ठीक है, एक बार शिवम प्रजापति, क्या आप स्टेटमेंट, ये जो रूल नंबर 2 लिखा है, इसको रिपीट कर सकते हो क्या आप अनम्यूट करके? शिवम प्रजापति क्या आप कर सकते हो, या सैफ जिंदल आप कर सकते हो, कोई भी? ठीक है श्रुति, आप ही कर दो फिर. In order to judge the conclusion, the Venn diagram of the statement is drawn. The Venn diagram thus drawn has to follow the minimum overlapping rule. सब टर्म समझ में आ जाएंगे, बट ये साइड से लिख, ये जो रूल बुक है ना, इसे बने रहने देना, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ आपको ऐड कराता रहूंगा. अभी सब पता लग जाएगा, अभी ओवरलैपिंग रूल क्या है. धीरज, आप क्या कहना चाह रहे हो? अभी सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे इस टॉपिक में, धीरे धीरे करके सब बताऊंगा. अब यहां से आप लोग चाहो तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा. मिनिमम ओवरलैपिंग रूल मींस लेस डायग्राम और ऑल पॉइंट्स पॉइंट्स एक्सप्लेन सिंगल डायग्राम. धीरज, शिवम प्रजापति, सैफ जिंदल, मैंने आपसे 4 दिन मांगे थे पेशेंस दिखा दो मेरे साथ इस टॉपिक के लिए, और आप मुझे एक क्लास में भी पेशेंस नहीं दिखा दे. आपके सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे. ठीक है, अब यहां पर बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि आपको स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन को जज करना है, तो यहां पर जो आपके स्टेटमेंट्स आएंगे, ये स्टेटमेंट आपके दो तरीके के होंगे. एक होगा यूनिवर्सल नेचर का, दूसरा होगा पर्टिकुलर नेचर का. यूनिवर्सल नेचर का, पर्टिकुलर नेचर का. यूनिवर्सल नेचर
यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। पर्टिकुलर में भी दो टाइप के होंगे, पर्टिकुलर पॉजिटिव पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक, ये आपके चार टाइप के बेसिक स्टेटमेंट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। वो चार टाइप के स्टेटमेंट को हमने क्लासिफाई किया यूनिवर्सल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उनको और ब्रॉडली क्लासिफाई किया यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, और पर्टिकुलर में हमने क्लासिफाई किया पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक, अब सुनो, यहां पर यूनिवर्सल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल पॉजिटिव का मतलब होता है जब आप सभी की सभी चीज, सारी की सारी चीज को कंसीडर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑल। समझ आया? यूनिवर्सल पॉजिटिव का मतलब होता है जब आप सभी सारी की सारी चीज को कंसीडर करते हो, दैट इज ऑल। यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी एक चीज को भी कंसीडर नहीं करते, यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव का एग्जांपल आपको इससे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये आपके सामने ग्लास रखा, पानी है। अब ये बताओ ये ग्लास कितना भरा हुआ है, ये ग्लास कितना भरा हुआ है? प्रीति शेखावत, यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब होता है जब मैं कोई भी किसी भी चीज को कंसीडर नहीं करूंगा, यानी कि नो। समझ आया प्रीति शेखावत? अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो ऑल का मतलब होता है, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो ऑल का मतलब क्या होता है? 100%। अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में इसकी बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? 0%। जैसे कि यहां पर काफी सारे लोगों ने मुझे ये ग्लास 50% भरा है। तो बच्चों यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। अगर कोई बोलेगा यहां पर ग्लास आधा भरा है तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर पॉजिटिव, दैट इज सम। कौन कहलाएगा सम? अगर वो ये कहता है कि ग्लास आधा भरा है तो सम, यानी कि 50% पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? और अगर यहां पर लोग कुछ बोलते हैं कि ग्लास आए तो वो कहलाते हैं 50% नेगेटिव। यानी कि सम नॉट। सुश्री, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है एक बार प्लीज बता दो मुझे। सुश्री, अगर आप ग्लास को आधा भरा हुआ देखकर ये कहते हो कि आधा ग्लास खाली है, अगर आप ये बोलते हो सुश्री कि आधा ग्लास खाली है, तो आप हो पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि 50% नेगेटिव।
समझ आया सुश्री अभी? तो ये चार बेसिक टाइप के स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल, नो, सम, सम नॉट। किसी को कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहां तक? वॉइस वगैरह सब क्लियर है प्रॉपर तरीके से? ऑडियो क्लियर है प्रॉपर तरीके से? रेशु पर्टिकुलर नेगेटिव बच्चे ये होता है कि अगर मेरे पास ग्लास आधा खाली है आधा, ये सारा लॉजिकल टॉपिक है, सारा माइंडसेट के हिसाब से है, ठीक है। आधा ग्लास अगर खाली है तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आधा ग्लास खाली है, इसका मतलब कुछ चीजें नेगेटिव है। पर्टिकुलर पॉजिटिव का मतलब होता है कुछ चीजें अगर सकारात्मक है कुछ पॉजिटिव है, तो पर्टिकुलर नेगेटिव का मतलब होता है कुछ चीजें नेगेटिव है। समझ आया रेशु? अब हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करेंगे वो समझो। हम लोग पहले तो इंडिविजुअली चारों टाइप के स्टेटमेंट को इंडिविजुअली पकड़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ठीक। तो यहां पर एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको, चलो ठीक है अभी छोड़ो इसको। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसा होगा पहले वो देखो। All A is B. All A is B. कैसा होगा स्टेटमेंट? All A is B. इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? अब इसका वेन डायग्राम बनेगा दो तरीके से। ओके, आप मुझे बताओ इसका वेन डायग्राम आप लोग कितने डिफरेंट, All A is B का वेन डायग्राम आप लोग कितने डिफरेंट तरीके से बना सकते हो ये बताओ। ओके, मैं ये पूछ रहा हूं सुश्री, कितने डिफरेंट तरीके से आप इसको बना सकते हो? ओके, स्नेहा बोल रही है दो तरीके से, एक तो आपने ऐसे बनाया हो, और एक कुछ लोगों ने बनाया होगा सेम सर्कल के अंदर, राइट। ये दो तरीके ही आपने अप्लाई करे, जितने भी लोग दो तरीके बोल रहे थे क्या वो यही दो तरीके? ओके,
अब यहां पर आप लोगों का एक डाउट होगा क्लियर। सुनो, हम जो वेन डायग्राम होता है वो मिनिमम ओवरलैपिंग का बनाते हैं। अब एक थोड़ा सा अंदाजा लगाओ और मुझे ये बताओ, पहला वेन डायग्राम मिनिमम ओवरलैपिंग कर रहा है या दूसरा? मिनिमम ओवरलैपिंग का क्या? मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब होता है कम से कम क्षेत्रफल। जितना स्टेटमेंट आपको बोल रहा है सिर्फ उतना ही पार्ट आपका वेन डायग्राम में बनना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहां पर सेकंड वाला वेन डायग्राम देख रहे हो, तो सेकंड वाला वेन डायग्राम भी आपको क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है ऑल ए इज बी, और वो आपको ये चीज भी रिप्रेजेंट करके दे रहा है ऑल बी इज ए। लेकिन क्या स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ बोला था आपसे? क्या स्टेटमेंट ने आपसे ऐसा कुछ बोला था कि सभी के बी ए हैं? उसने सिर्फ बोला है ऑल ए इज बी। अगर आप स्टेटमेंट से हटकर भी कुछ करने की कोशिश करते हो तो वो आपका मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल को ब्रेक करता है। समझ आया? अभी थोड़ा समझ में आया होगा मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब। लेकिन जब हम स्टेटमेंट को कंबाइन करने जाएंगे आगे, तब वो भी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है कि सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है? सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि जितना स्टेटमेंट बोलता है वेन डायग्राम में उतना ही पार्ट आपका ओवरलैप करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम एरिया ओवरलैप कराना है। अभी यहां पर जो मैंने सेकंड वाला वेन डायग्राम मिटाया है, इसके अंदर क्या हो रहा है? के साथ आप ऑल बी इज ए बी बना रहे हो। रहा था क्या ऐसा स्टेटमेंट ने आपसे बोला था? शिवम प्रजापति एंड शिव जिंदल, हाँ इसने वो मैं समझ गया, बी बड़ा सर्कल होगा बट ए बी स्मॉलर वन विल बी अटैच टू इट इनसाइड। हाँ वो ठीक है, समझ आया। अगर मैं ऐसा बनाता तो क्या हो रहा था कि मैंने ज्यादा से ज्यादा ओवर, और मेरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसको भी मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया। उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, उससे ज्यादा किया मैंने। समझ आया? शिवम को तो आ चुका है। सैफ आपको समझ में आया नहीं आया? सैफ जिंदल, यस सुशील, सेकंड वाला मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जा रहा था। भाई बता दो मिनिमम ओवरलैपिंग मैक्सिमम ओवरलैपिंग के बीच में फर्क समझ में आया या नहीं आया? अब मुझे ये बताओ, आपको मैंने आज जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है? आज के दिन में 50 मिनट्स की क्लास में जो भी थ्योरेटिकल चीज पढ़ाई है उसमें कोई डाउट है या चीजें क्लियर है? ठीक है, अगेन मैं एक बात बोलूंगा, अगर मुझे 4 से 5 दिन का टाइम दे दो ये टॉपिक मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और अभी लास्ट में वॉइस सब क्लियर अगर आ रहा है ना, वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रहा है ना अभी लास्ट में सबको? ओके, तो अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि ऑल ए इज बी। नहीं, एफिशिएंसी इज अ डिफरेंट थिंग यार, एफिशिएंसी इज अ डिफरेंट थिंग। अभी आप मैथ्स में जब टाइम एंड वर्क पढ़ने जाओगे सेफ, ज्योतिष बख्शी, बट क्या वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको? क्योंकि यार वो तो पंखा चल रहा है यार, अब गर्मी में बैठूंगा तो बता दो वो भी बंद कर दूंगा। आपने बोला गोदारी बाहर बादल गरज रहे थे तो मैंने खिड़की बंद कर दी। आप बोलोगे तो फिर
मेरे पसीने लगेंगे, ठीक है, तो सैफ वो जब आप वहां पर टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो एफिशिएंसी एक अलग चीज होती है ऑल टुगेदर। अभी भी हो रहा है प्रीति ये चीज, अभी भी हो रही है प्रेजेंट में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ऑल एज बी इसका वेन डायग्राम को समझा है, कल इसके ऊपर हम लोग कम से कम 9 से 10 कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे और उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल हमारी क्लास है तो कल हम इसको यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं सब लोग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Thank you.